गेहूं के आटे का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ये गेहूं का आटा ले लिया है। इसके जगह पे आप सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गेहूं का आटा हेल्दी होता है इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बॉयल आलू, इसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। साथ में ऐड कर देंगे हरा धनिया और इसके साथ इसमें जाएगा हरी मिर्च, तो बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च है ये मैंने इसमें डाल दी है। साथ में इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आप चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। साथ में इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के आसपास। अच्छा सा कलर आ जाएगा हमारे इस नाश्ते में। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और साथ में ऐड कर देंगे नमक, तो नमक अभी तक हमने नहीं डाला है तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ले लेते हैं, तो 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल, तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है, तो पहले मैं स्पून से अच्छे से मिला लेती हूँ। सॉफ्ट होता है लेकिन हम इसे थोड़ा सा हार्ड लगाएंगे, हार्ड से मीडियम सॉफ्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाएंगे। तो पहले हम आलू के साथ आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर हम पहले पानी डाल देंगे तो ये जो मिक्सचर है गीला हो जाएगा, तो पहले आलू के साथ अच्छे से इसे बाइंड कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर इतनी ही चीज़ों से ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट करके कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं आप। तो मैंने इसे आलू के साथ अच्छे से मिला लिया है और इस तरीके फॉर्म में आ गया है ये। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त सा आटा लगा लेंगे। आटा यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है, इसमें डालेंगे तेल, तो बहुत ही थोड़ा सा इसमें तेल डाल देते हैं ताकि आटा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और तेल के साथ एक बार हम मिला लेंगे इसे और 10 मिनट के लिए आटे को हम ऐसे ही रख देंगे ढककर। तो यहाँ पर आटे को 10 मिनट के लिए बिल्कुल मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि आटा फूल कर सेट हो जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और आटा अच्छे से फूल कर सेट हो चुका है। इसके बाद इसे हम एक बार अच्छे से फिर से गूंद लेंगे, जिससे कि आटा हमारा चिकना हो जाएगा। और इसके बाद बनाएंगे आटे की 2 लोइयां। तो हाथों पे तेल लगा लेना क्योंकि आलू की वजह से ये आटा हाथ में काफ़ी चिपकता है। तो मैं इसकी 2 लोइयां बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी बड़ी लोइयां बना ली। और अब इन्हें हम चकले पे रख के बेल लेते हैं, तो इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ ले लिया मैंने चकला, इस पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल क्योंकि इस पर भी चिपक सकता है ये। साथ में बेलन पे भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और जो हमने एक लोई बनाई है इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे सूखे आटे के साथ भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल के तैयार कर लिया है और ये देखिए इसकी थिकनेस, इस तरीके की थिकनेस रखी है मैंने। और अब इसे करना है कट क्योंकि इसे देना है हमें शेप। तो यहाँ पर पहले हम किनारों को हटा देंगे कट करके और ये जो आटा रह गया है हम इसे दोबारा से इसी तरीके से बना लेंगे। तो बिल्कुल स्क्वायर शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। और फिर से इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। तो शेप आपके ऊपर है कि आप कैसा शेप देना चाहते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी शेप इसकी बिगड़ गई है तो इस तरीके से आप इसे हाथों से ये शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 छोटे छोटे स्क्वायर बनाकर तैयार कर लिए हैं और जो बची हुई लोई है साथ में जो आटा है उसे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे और भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, इसे ट्राइंगल इस तरीके से कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर ही रखने वाली हूँ।
और अब इन्हें करेंगे फ्राई। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। और इसे फ्राई करने के लिए तेल मैंने यहाँ पर मीडियम गर्म कर लिया है, और एक एक करके जो पीसेस हैं हम डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हमने आटे का यूज़ किया है, तो आटे को हमें अच्छे से पका लेना है फ्राई करके। तो अलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये नाश्ता है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया सा आया है। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, जैसे आप मठियाँ फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल पेशेंस के साथ फ्राई करना है, तभी ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी बनेंगे। अगर आप इसे फुल फ्लेम करके फ्राई करेंगे तो ये पूरियों के जैसे हो जाएगा, ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा ये, और सॉफ्ट भी रह जाएगा। अगर इसे क्रिस्पी फ्राई करना है तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए बहुत ही पेशेंस के साथ ही फ्राई करना है इसे। तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है, और जो बाकी सारे नाश्ते हैं बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और किनारे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर जो बचे हुए पीसेस हैं उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ये अमेजिंग सा नाश्ता, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ। इसके किनारे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्रिस्पी से लग रहे हैं ये। और इसे आप सर्व कर सकते हैं धनिया की चटनी के साथ, शाम की चाय के साथ, या फिर केचप के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये टमाटो सॉस का पाउच ले लिया है, और इस तरीके से इसे आप गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है। तो मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। और इसके साथ ही मैं दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर है अंदर से कैसा है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके का इसका टेक्सचर है। ज़रूर ट्राई करें, और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आगे मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं। आपके कमेंट नहीं आ रहे मेरे पास, तो ज़रूर भेजिए मुझे कमेंट। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।